ठीक है इस 9:12 हो चुका है और मैंने भी यहाँ पे December 13 की आज के लिए यहाँ पे स्टॉक्स अपडेट कर चुका हूँ। ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं लुपिन पीएफसी एंड सनफार्मा और ये है बाय लेवल्स भारतफोर्ग टीवीएस मोटर बंधन बैंक SBIN। इसे 5 स्टॉक्स बाय के लिए मैंने वॉच लिस्ट अपडेट कर चुका हूँ मेरे पे टेलीग्राम चैनल पर। नौ बजे 13 हो गया है। गाइस 9:18 हो चुका है, मुझे थोड़ा यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है तो सिंपल मैंने ऑर्डर प्लेस मेरे कॉल्स मैं अपडेट कर चुका हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है भारत फोर्ग का 9:18 पर यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखते हैं 19 हो चुका है, ये देखिए 19:22 22 हो चुका है, 522 हो चुका है भारत फोर्ग। इसकी मेरे मोबाइल से मैं अपडेट कर देता हूँ 23.5। मैंने पोजीशंस बनाने का मौका नहीं मिला मुझे। भारत फोर्ग ये देखिए 523.45 चल रहा है, 2 दिन से अच्छा खासा यहाँ पे मैंने अपडेट कर चुका हूँ टारगेट 523.85 फर्स्ट टारगेट एंड 527 सेकेंड टारगेट। फर्स्ट टारगेट ऑलरेडी हिट कर चुके हैं। उसको रिस्पॉन्स कर भारत फोर्ग यहाँ पे देख सकते हैं 524.50 तक आ गया था। मैंने कोई पोजीशंस नहीं बनाए अभी तक, यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट कर चुका था मैंने एक्सेलेंट टारगेट, फर्स्ट टारगेट ऑलरेडी हिट कर चुके हैं और भारत फोर्ग का मैंने लेवल्स भी दिया था वॉच लिस्ट पर। दोस्तों अभी बंधन बैंक 503 9:22 है और इसका भी लेवल मैंने मैंने बंधन बैंक का यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय लेवल्स अपडेट किया हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पर। अभी 9:27 है और गाइस आप देख सकते हैं बंधन बैंक 498 चल रहा है। गाइस 9:45 हो चुका है और यहाँ पे मैं सनफार्मा का दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर एक सनफार्मा के लिए एक सेल लेवल्स अपडेट कर चुका हूँ सनफार्मा का। ठीक है फोर 99 टू सेल का सेल लेवल्स 4:24 पर दिए थे। अभी 10:06 हो चुका है और मैंने भी पोजीशंस बनाया था। ठीक है लेकिन एसएल हिट करके हमारा लॉस यहाँ पे लगभग 1000 हो गया है सनफार्मा का। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले तो जो फास्ट टारगेट था वो हमारा फास्ट टारगेट था 420 और 421 तक वो गए थे, उसके बाद वापस आए ओके और एसएल हिट किए हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी 427 पे चल रहा है। मैं आपको ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ, ये देखिए 422.9 पे मैंने शॉर्ट किए थे, 421 तक गए और देन आके यहाँ पे सेल हिट कर चुके हैं, तो लगभग यहाँ पे हमारा लॉस 1000s की। अब तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी जस्ट मार्केट क्लोज हो गया है। नॉर्मली आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते ज़ीरोधा की ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में 3:25। आप देख सकते हैं मैंने सान फार्मा में ट्रेड लिया था सुबह सुबह, देन यहाँ पर भारत फ्रॉग पर भी मैंने एक पोजिशंस लिया था, वो अच्छा नहीं गया और देन यहाँ पे एसएल हिट हुए थे। ठीक है, सुबह का जो कॉल था वो तो टारगेट हिट किए थे जिसमें मैंने पोजिशंस नहीं बनाया था। उसके बाद गाइस 12 बजे के टाइम मैंने और एक पोजिशंस बनाया जहाँ पे इतना लॉस हो गया था। फाइनली यहाँ पे 2:30 बजे के बाद येस बैंक पर मैंने पोजिशंस बनाया और उसके लेवल्स भी मैंने अपडेट किए थे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको टोटल दिखा दूँगा कि आज की 13 दिसंबर के लिए अपडेट किया थे। यहाँ पे तो एक्चुअली वॉचलिस्ट तो मैंने दिखा दिया था सुबह। आप बात करते हैं लाइव जो कॉल्स था उसके परफॉर्मेंस कैसा रहा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। भारत फॉर्ग की बात करें तो 5.9 का बाई कॉल था, वो हमारा हाई बनाया था 5.9 तक हाई बना था, उसके बाद वापस आए और एसएल को भी हिट किए। और मैं यहाँ पे बंधन बैंक का भी आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए बंधन बैंक क्या हुए थे। बंधन बैंक में मैंने 498.3 पे बाय लेवल्स दिए थे, उसके बाद 2 पॉइंट अप गया, देन आके लो बनाया 490। गाइस यहाँ पे बहुत अच्छा खासा मूवमेंट था, तो एसएल को हिट कर चुके थे यहाँ पे 490.5, देन उसने हाई बनाया 414.80। आप यहाँ पे सोच सकते हैं कितना मूवमेंट हुआ आज बंधन बैंक पर। ठीक है, जिन्होंने एसएल नहीं लगा के रखा उनका तो यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट हो गया है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये एसएल हिट हो गया। ओके, तो फाइनली गाइस मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए बंधन बैंक का मैंने वॉच लिस्ट पर भी दिया था, अगर मार्केट ओपन होने के बाद कोई पोजीशंस बनाया तो उनका प्रॉफिट हो गया था। तो ये था बंधन बैंक और जहाँ पे मैंने पोजीशंस नहीं बनाया था और सिंपल। उसके बाद सान फार्मा की तो बात आपको पता है, उसके बाद गाइस सान फार्मा दिए थे 9:41 पर, उसने लो बनाया था 421 जहाँ पर हमारा टारगेट था 420 फर्स्ट टारगेट, तो 421 तक लो बनाने के बाद एसएल को हिट किए और देन 418 तक आए थे। ओके, तो इसने भी तो ये भी मैं कहूँगा कि एसएल हिट हो गया। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सन फार्मा, ठीक है, ये वॉच लिस्ट में भी दिया था मैंने सुबह और यहाँ पे हाई बनाया 429 तक हाई बना दिया था, देन वापस आके यहाँ पे लो बनाया 418 और अभी भी आप देख सकते हैं 422 इसकी करंट प्राइस है। और फाइनली येस बैंक पर कॉल दिया था और वहाँ पे हमारा रिकवर हुआ जो भी लॉस हुए थे। ओके, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा और गाइस हमारे इस चैनल को अगर आपको ज्वाइन होना है तो सिंपल आप आज फ्री में आप स्टॉक्स में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और फ्री में हमारे इस टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग बैलेंस नहीं लग रहा है, अकाउंट ओपनिंग कोई फीस आपको नहीं देना होगा, तो सिंपल आज रात 12 बजे तक मतलब टुडे मिडनाइट तक ही ये ऑफर है, तो सिंपल अकाउंट ओपन करके आप फ्री में हमारे अंडर ज्वाइन हो सकते हैं और अकाउंट ओपनिंग फीस भी नहीं लग रहा है गाइस। तो बाय द वे यहाँ पे 2:22 पर मैंने येस बैंक का सेल करने के कहा और मैंने भी पोजीशंस बनाया 800 क्वांटिटी की और एसएल यहाँ पे मेंशन 185.8 और गाइस देख सकते हैं 3 मिनट के अंदर हमारा यहाँ पे 180.5 फर्स्ट टारगेट हिट हो चुके थे। यहाँ पे मैंने कहा कि बुक सम प्रॉफिट और पुट फाइनल टारगेट 17.5 और दोस्तों फाइनली वो भी 2:59 पर वो भी अचीव हो गया। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, मैंने भी पोजीशंस बनाया 3600 की प्रॉफिट हुआ है। ओके, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे येस बैंक लो बनाया 172 तक। तो गाइस सिंपल 10 मिनट के अंदर 12 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिला येस बैंक पर और
इसकी कुछ बैड न्यूज़ थे। तो गाइस सिंपल सुबह सुबह आज की ट्रेडिंग उतना अच्छा नहीं गए थे, ठीक है। एक कॉल सही था और एक कॉल गलत ऐसे लेट किए थे, और फाइनली येस बैंक हमारा लॉस रिकवर करके दिखा। तो दोस्तों दैट्स इट। अगर आपको इस ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप अकाउंट ओपन करके फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं, अदरवाइज आपको 700 रुपीज़ पर मंथ पे करके भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, 700 रुपीज़ पर नेक्स्ट 30 डेज। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।